बहुत ही टेस्टी लग रहा है ना फ्रेंड्स ये नाश्ता, बहुत ही जल्दी बन करके रेडी हो जाता है। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। चलिए इसको हम बनाते हैं नाश्ता। तो देखिए नाश्ते को बनाने के लिए हमने इधर 5 ब्रेड ले ली है और ब्रेड को हम रखते हैं साइड में। सबसे पहले इसका बैटर बना लेते हैं और बैटर को बनाने के लिए देखिए इधर हमने उबले हुए आलू ले लिए हैं। 2 आलू हमने लिए हैं मीडियम साइज के। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा मात्रा में चीज़ें लीजिए, हमें कम ही बनाना है नाश्ता, तो इसलिए हमने 2 आलू ही ली है। तो इसको सबसे पहले अच्छे से हाथों से मैश कर लेंगे। अगर आलू प्रॉपर तरीके से पकी है तो हाथों से मैश कर लीजिए, अगर नहीं पकी है तो आप कद्दूकस कर सकते हैं आलू को, इससे कि इसमें गुठलियाँ ना रहें और खूब अच्छे तरीके से मैश हो जाए। क्योंकि नई आलू है तो थोड़ा उबलने के बाद जब ठंडी हो जाती है तो ये थोड़ा कड़ी हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो इसलिए इसको अच्छे से मैश कर लेना है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये हरी मिर्च हमने एक काट करके रखी है, और इसके बाद हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। और हरा धनिया ऐड कर देने के बाद यहाँ पे हम एक शिमला मिर्च काट ली थी छोटे टुकड़े में, छोटा सा शिमला मिर्च हमने काटा है, और एक प्याज हमने मीडियम साइज़ की काट ली है। और अब इन सब चीज़ों को ऐड कर दें। आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर भी यूज कर सकते हैं एक पर। और अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा खट्टा फ्लेवर लाने के लिए नींबू ऐड कर देंगे। तो नींबू को एक टुकड़ा हमने काट के उसके रस को निकाल लिया है। और अब इसके बाद इसकी बीज जो गिरी हुई दिख रही है ना, तो इसकी बीजों को हम हटा देंगे नींबू के। और अब यहाँ पे हमने ये अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, आप चाहें तो कूट करके भी लहसुन अदरक यूज कर सकते हैं। और अब इसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितना आपके यहाँ नमक जैसा खाया जाता हो उस हिसाब से। और अब इसके बाद एक चम्मच इसमें हम केचप डालेंगे। शेजवान चटनी जो होती है ना, शेजवान चटनी अगर आपके पास है तो डाल लीजिए, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो एक चम्मच हमने केचप डाल दिया है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम हाथों से ही मिक्स कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से, हाँ आप चाहें तो यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर हमने केचप डाल दिया है इसलिए हमने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज नहीं किया है। तो इसी तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करके इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे हम। देखिए इसी तरीके से हमें इनको मिक्स करना है। तो देखिए डो हमने इसका बना करके रेडी कर लिया, अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। और इधर देखिए हमने 3 चम्मच मैदा ले लिया है, इसी चम्मच से हमने 3 चम्मच लिया है, इसी छोटे चम्मच से। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिएगा। और इसको अच्छे से हम घोल बन रेडी कर लेंगे। इस मैदे का हमें घोल बनाना है, तो देखिए इसको अच्छे से हम घोल बना लेंगे। इस मैदे के घोल में हमें कुछ भी नहीं ऐड करना है फ्रेंड्स, इस तरीके से बनाइए तो बहुत ही परफेक्ट लगता है। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ऊपर से, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि नमक हमने बेटर में ऐड किया है, तो नमक बहुत ज़्यादा मत करिएगा, थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। और अच्छा सा पतला घोल बना करके रेडी कर लीजिए इस तरीके से। देखिए पतला सा घोल हमें बना करके रेडी करना है। देखिए हमने घोल को बना लिया है, इतना पतला ही हमें रखना है, ना बहुत ज़्यादा पतला करना है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। अगर इसमें थोड़ी गुठलियाँ पड़ गई हों तो उसको आप अच्छे से मैश करके इसी तरीके से, देखिए कहीं कहीं गुठलियाँ लग रही हैं, तो मैं इसको अच्छे से इसी तरीके से मैश करके घोल बना ले रही हूँ। और इधर देखिए घोल बनाने के बाद हमने ब्रेड ले लिया है, ब्रेड के टुकड़ों को, ब्रेड को हमें काटना है। तो एक छोटी कटोरी ले लीजिए और उससे आप इस तरीके से दबा करके गोल शेप में ब्रेड को काट लीजिए। देखिए ये मोटा वाला ब्रेड है, बड़ा वाला, तो मतलब कि आप जो भी ब्रेड आप ले रहे हैं तो उसको इसी तरीके से काट करके इसका शेप निकाल लीजिए। देखिए हमने काट लिया, इसी तरीके से हम सारे ब्रेड काट लेते हैं। तो देखिए सारे पीसेस को हमने कट करके रेडी कर लिया है। और अब इसको हम इसमें बैटर ऐड करेंगे, तो इसको एक साइड में रख लेते हैं और एक एक करके इस पर रखेंगे। और इसमें चम्मच से बैटर हमें ऐड करना है, जो बैटर हमने बना करके रखा है। तो देखिए इसी तरीके से बैटर को हम ले लेंगे, जितना मतलब कि आ जाए उतना ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोटा मत करिएगा ना बहुत ज़्यादा भरिएगा उस पर बैटर, हिसाब से ही आप चाहे चम्मच से करें चाहे हाथों से ही अपने हिसाब से कर लीजिए इसी तरीके से। देखिए और अब इसके बाद ये जो मैदे का घोल हमने बना करके रखा है उसको साइड साइड पे थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से लगा देंगे, साइड साइड पे, चारों साइड पे पूरे मतलब चारों तरफ से अच्छे से मैदे का घोल लगा दीजिए, जिससे कि दूसरा वाला ब्रेड जब इसके ऊपर से रखें ना तो खूब अच्छे से चिपक जाए। चाहे चम्मच से लगाइए या तो फिर हाथों से ही लगा दीजिए। तो देखिए इसी तरीके से हम इसको हाथों से ही कर दे रहे हैं। और अब इसके बाद दूसरा ब्रेड हम ले करके इसके ऊपर फिल कर देंगे इसी तरीके से। और करने के बाद इसको हम अच्छे से दबा देंगे। देखिए
खूब बढ़िया से हमें इसको दबा देना है। आप चाहें तो दोनों साइड पे लगा ले, देख रहे हैं ना कितने अब कितना परफेक्ट सेट हो गया है। और अब इसको हम साइड में रख लेते हैं और इसी तरीके से हम सारा बना करके रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इसको हमने बना करके रेडी कर लिया है और इधर हमने जो ब्रेड के किनारों को निकाल करके रखा था उनको हमने क्रश कर लिया है और क्रश करके इस प्लेट में हम इसको ऐड कर लेंगे देखिए। और इसको अभी हमें इसमें फिल करना है ऊपर से ना, तो इसलिए हमने इसको क्रश किया है। तो ब्रेड के किनारों को हमने पीस लिया अच्छे से और इसको रख लिया देखिए इधर। और अब इसके बाद इन ब्रेड को हम जो मैदे का घोल बना करके रखा है इसमें अच्छे से डीप कर लेंगे इसी तरीके से देखिए, तुरंत डीप करके और तुरंत फिर इसको उठा करके इस ब्रेड के रोल के ऊपर ऐसे देखिए ऐड कर देना। एकदम हल्के हाथों से हमें करना है, इस पर हमें कोई जोर नहीं देना है। एकदम हल्के हाथों से देखिए इसी तरीके से हमें इसको ब्रेड के रोल को जो ब्रेड का जो हमने वो घोल वो बना करके रखा है पाउडर ब्रेड का चूरा, इसको इसी पर हम ऐड कर देंगे अच्छे से और इसको हम फ्राई करेंगे। इधर ब्रेड को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई रख दी है गैस पे, तेल भी ऐड कर दिया है हमने और तेल हमारा लगभग गर्म हो चुका है। और अब इसमें जो हमने ब्रेड का पकौड़ा बना करके रखा है एक एक करके ऐड करेंगे देखिए, इसी तरीके से हमें एक एक करके ही ऐड करना है और इसको इसके बाद इसको हमें तुरंत इसी तरीके से अलट पलट करके फ्राई कर लेना है। देखिए हमने ये ऐड कर दिया और इसी तरीके से हम दूसरा भी ऐड कर देंगे इसके ऊपर। खूब अच्छे तरीके से इसमें जो ब्रेड का रोल है ऊपर से ना खूब अच्छे तरीके से फील हो जाना चाहिए। तो देखिए जितना एक बार में आ जाए, हम एक ही ऐड कर रहे हैं और देखिए अलट पलट करके दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हमें अच्छे से पका लेना है। और अब इसको एक साइड में करके दूसरा वाला भी इसी टाइम पे हम ऐड कर देते हैं। इसको हम पलट दिए हैं और अब दूसरा वाला भी देखिए ऐड कर दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से पक गए हैं ये दोनों और अब इनको हम निकाल लेंगे और जो दूसरा बचा हुआ है हमारा उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इनको हम अच्छे से निकाल लेते हैं, थोड़ी देर इसी तरीके से रख करके इसमें जो तेल ऑब्जॉर्ब हुआ है उसको आप मतलब कि निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद इसको आप निकालिए। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और अब जब से इसको हम निकाल रहे हैं तब से दूसरा वाला भी है उसको हम ऐड कर देते हैं। देखिए इसी तरीके से हमें उसको भी ऐड कर देना है और इसको हम निकाल लेंगे। तो बनकर रेडी हो गया फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में और बहुत ही जल्दी बनकर के रेडी हो जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी बताए हुए तरीके से बना करके ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम कट करके आपको दिखा देते हैं कि कितना ये परफेक्ट बन करके रेडी हुआ है। अंदर से दिखा देते हैं हम इसको, देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी हमारे बताए हुए तरीके से इस रेसिपी को बना करके ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।